इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अब टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ा शिकंजा कसने की तैयारी कर चुका है। दरअसल मार्च में खत्म हुए कारोबारी साल 2018 से 2019 में आयकर विभाग को लक्ष्य से 60,000 करोड़ कम टैक्स वसूली हुई है। कुल टैक्स वसूली का लक्ष्य तो जीएसटी से पूरा हो गया, लेकिन सुस्त आर्थिक रफ्तार के बीच जीएसटी का दबाव छोटे कारोबारियों से कम करने के लिए डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पर सरकार जोर देना चाहती है। इसलिए अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए के बकाए को वसूलने के लिए अब उस कानून का इस्तेमाल करने लगा है जो वो भगोड़ों पर करता है। आईटी डिपार्टमेंट टैक्स बकायेदारों के बैंक खातों से सीधे पैसे निकालेगा। फिलहाल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करदाताओं से करीब 60,000 करोड़ रुपए वसूलने हैं। साल खत्म होने के बावजूद भी इतना संग्रह नहीं हो पाया है, जिसके चलते लक्ष्य को पूरा करने में विभाग को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट उसके ऊपर अगर 13% टैक्स कलेक्शन का टारगेट रखते हैं तो वो तो रियलिस्टिक है ही। अगर वो कलेक्शन नहीं हो पाता है तो उसका मतलब जिन लोगों को जितना रुपया टैक्स देना है वो शायद नहीं दे रहे हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट धीरे धीरे कोशिश तो करेंगे जितना टैक्स उनको मिलना चाहिए वो मिले। एक रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्ट टैक्स डिपार्टमेंट पर कलेक्शन का दबाव ज्यादा है। सरकार चाहती है कि जीएसटी कलेक्शन के मोर्चे पर थोड़ी नरमी रखी जाए, क्योंकि ज्यादातर छोटी और मझौली कंपनियां दबाव का सामना कर रही हैं। उनका पास कुछ ऐसे सेक्शंस भी है, जैसे इनकम टैक्स में सेक्शन 222 है, 222 उसके थ्रू वो किसी भी एसएससी जो टैक्स नहीं दे रहे जिनको देना चाहिए उनका मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी वो अटैच कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, बैंक अकाउंट भी उसमें आता है। ऐसे में आयकर विभाग सख्ती के पूरे मूड में है और सीधे बैंक खातों से बकाया टैक्स वसूलने पर विचार कर रहा है। इनकम टैक्स अधिकारी कानून में एक विशेष प्रावधान का इस्तेमाल करने की तैयारी कर रहे हैं। इसके तहत करदाताओं के बैंक खातों से सीधे बकाया वसूलने की इजाजत आयकर विभाग को मिलती है। अभी तक इस प्रावधान का इस्तेमाल बहुत कम ही किया गया है, लेकिन मौजूदा हालात में टैक्स कलेक्शन की भरपाई के लिए आयकर विभाग ने कदम उठाने की ठान ली है। जाहिर है सरकार टैक्स चोरों को चुनाव के माहौल में भी बख्शने को तैयार नहीं है।